डीएनडी न्यूज चैनल के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लिंकी वाजपेयी। बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ वाराणसी के होटल में बदसलूकी, सामान सहित निकाला बाहर। जी हां, बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ वाराणसी में होटल प्रबंधन ने बदसलूकी की है और उन्हें सामान सहित बाहर निकाल दिया गया है। जिसकी शिकायत तेज प्रताप ने वाराणसी पुलिस से करते हुए होटल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। दरअसल बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ वाराणसी में होटल प्रबंधन ने बदसलूकी की और उन्हें सामान सहित बाहर निकाल दिया गया। जिसकी शिकायत तेज प्रताप ने वाराणसी पुलिस से करते हुए होटल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। दरअसल तेज प्रताप यादव शुक्रवार को वाराणसी दौरे पर थे, जहां वह कैंटोनमेंट स्थित आर्काडिया होटल में रुके थे। तेज प्रताप यादव देर रात बनारस में किसी काम से गए हुए थे। इसी बीच लगभग 1 बजे होटल प्रबंधन ने तेज प्रताप यादव का लगेज उनके कमरे से बाहर निकाल कर सिक्योरिटी रूम में रख दिया। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। तेज प्रताप यादव जो मौके पर पहुंचे तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की। इसके साथ ही उन्होंने सीसीटीवी कैमरा भी चेक किया। मामला जब सामने आया तो पता चला कि जिस रूम में तेज प्रताप यादव रुके हुए थे वह सिर्फ एक दिन के लिए ही बुक था। रात 12 बजे के बाद होटल के जीएम ने सामान को बाहर निकलवाकर सिक्योरिटी रूम में रखवा दिया था। एक बार फिर से आपको बताते चले, बिहार के जो मंत्री हैं तेज प्रताप यादव के साथ वाराणसी के होटल में बदसलूकी हुई है और सामान सहित उनको निकाला। एक बार फिर से आपको बताते चले, बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ वाराणसी के होटल में बदसलूकी का मामला सामने आया है और इस समय वो बिहार के पर्यावरण मंत्री भी हैं, तो उनके साथ आए दिन कोई न कोई ऐसी बातें हो जाती हैं, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ वाराणसी में होटल प्रबंधन ने बदसलूकी की है और उन्हें सामान सहित बाहर निकाल दिया गया है। एक बार फिर से आपको बताते चले, बिहार के जो मंत्री हैं तेज प्रताप यादव के साथ वाराणसी के होटल में बदसलूकी हुई है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।